यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक अहम खबर, रामनगर में धनगढ़ी नाले पर पुल बनने की मांग अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। 8 नवंबर से धनगढ़ी नाले पर पुल बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिशों की वजह से ही धनगढ़ी नाले पर पुल का निर्माण होने जा रहा है। इस पुल का निर्माण 13 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जबकि इसका निर्माण काम 18 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में धनगढ़ी नाला उफान पर बहता है, हर साल इसमें कई वाहन बह जाते हैं और ऐसे में लोग लंबे समय से यहां पर पुल बनाने की मांग कर रहे थे, मगर नेताओं की मांग पर अनिल बलूनी ने गौर किया। कहा जा सकता है कि ये पुल बलूनी के प्रयासों से ही बन रहा है। पुल के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। धनगढ़ी नाला गढ़वाल और कुमाऊं के पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा और बागेश्वर को जोड़ता है। और ज्यादा अपडेट के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी, देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, जानना चाहेंगे, एक अहम खबर है ये रामनगर के लोगों के लिए, धनगढ़ी नाले पर पुल बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी और आखिरकार उसका इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। देखिए, ये केवल रामनगर के धनगढ़ी और पनौत नाले का पुल का मामला ही नहीं है और ये केवल 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कोई परियोजना नहीं है। ये एक ऐसी परियोजना है जो लोगों के हर बरसात में जान माल की सुरक्षा करेगी जी। ये ऐसी परियोजना है जो चमोली से लेकर के पौड़ी और उधर रामनगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, तमाम पूरे क्षेत्रों को एक जगह कनेक्ट करके रखेगी। ये एक मेन ऐसी जगह है जहाँ हर साल लोगों की कैजुअल्टी होती थी, बारिश में वाहन फंसते थे। पिछले साल भी दिल्ली के 3 लोग इस धनगढ़ी नाले में, उनकी गाड़ी बह गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये केवल एक 13 करोड़ रुपए की परियोजना नहीं है, ये वो एक टास्क है जो अनिल बलूनी ने जिसकी घोषणा की थी और जिसको अब उन्होंने पूरा कर दिया है। 8 नवम्बर से इसका कामकाज शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि 18 महीने में इसको पूरा किया जाना है, ये लक्ष्य इसका तय हो गया है। तो ये केवल मात्र 13 करोड़ की योजना नहीं है, लोगों की जान माल और उनकी सुरक्षा, उनकी हिफाजत करने की एक सुरक्षित यात्रा करने का एक माध्यम है जो अब बनना शुरू हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो अनिल बलूनी के प्रयास एक बार फिर से रंग ला रहे हैं और 18 महीने की समय सीमा तय कर दी गई है इस पुल को पूरा करने में। उधर पिथौरागढ़ में इस साल आई आपदा के बहाने अब कांग्रेस प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सरकार पीड़ित परिवार को मदद पहुंचाने की बजाय उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। हरीश रावत का कहना है कि गांव में अभी तक हालात ठीक नहीं हुए हैं, मगर सरकार लोगों से कह रही है कि उन्हें अपने घर लौट जाना चाहिए। इसके साथ ही हरीश रावत का यह भी कहना है कि पीड़ित परिवार को ठीक से मुआवजा भी नहीं मिला है। आपको बता दें कि इस बार धारचूला और मुनस्यारी में आई आपदा में काफी नुकसान हुआ था। हालांकि भाजपा का कहना है कि यह फैसला लोगों की सहमति से ही लिया गया है। तो आपदा पीड़ितों को लेकर सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने। बजाय उन गांव वालों को कहीं पुनर्वासित करने के, राज्य सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि भाई 30 अक्टूबर तक आप अपने गांव में वापस जाओ, हमने जो मुआवजा देना था आपको मुआवजा दे दिया। अब मुआवजा भी हम हमारी गवर्नमेंट जाते जाते बढ़ा करके गई थी। उस समय हमने केदारनाथ के लिए बढ़ाया था, उस समय 4 लाख किया था प्रति मृतक, लेकिन हमने उसको प्लस किया था 1 लाख और, मतलब 4+1 प्रति मृतक, और 2 लाख ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री कोष से सहायता दी थी, मतलब 7 लाख के करीब ऐसे परिवारों को मिला था। ये एक केवल 4 लाख दे रहे हैं, हम कह रहे हैं चलिए जो नियम था वो 5 लाख है वो तो दे दीजिए। नंबर वन, अधिकांश लोगों ने कहा साहब हम कैंपों से, चाहे घर भी टूट गए हो, अब अपना घर भी बनाएंगे और तब तक हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिलीज है, एक्सटेंडेड फैमिली का तात्पर्य मेरे भाई हैं, मेरे चाचा जी हैं,
मेरे ताऊ जी हैं, मेरा भतीजा है, मैं उनके साथ रहूंगा, अपना इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम भी करूंगा, मैं कैंप में रहूंगा। ज्यादातर लोग इस प्रकार से स्वेच्छा से चले गए और आज की तारीख में केवल 7 से 8 परिवार, जिसमें 25 से 30 लोग हैं, वही कैंप में है।